पुलिया का जो निर्माण हुआ है, ये पुलिया का निर्माण गलत तरीके से हुआ है। सड़क से 3 फीट ऊंची ये पुलिया बना दी गई, जिससे रक्षे वाले गिर रहे हैं, ठेले गिर रहे हैं, स्कूलों की जो वैन आती है तो उसमें बच्चे पीछे की साइड हो जाते हैं अपने बैग लेके, और उनका पीछे की तरफ गिरने का अंदेशा होता है। वैन वालों को दिक्कत हो रही है, आज यहाँ के समाज के लोगों को दिक्कत हो रही है जो इस सड़क का यूज कर रहे हैं। तहसील रोड है अमरोहा के व्यस्त मार्गों में से एक, मगर किस हिसाब से ये सड़क बनाई गई, किस हिसाब से ये पुलिया बनाई गई, कुछ समझ से बाहर है। हमारी मांग है कि ये पुलिया और ये सड़क का काम दोबारा शुरू हो, या तो इसे तोड़े पुलिया को, या इस पुलिया के जो टेपर है टेपर लगाए, जिससे लोगों को परेशानी कम हो। हम पिछले एक महीने से इसकी मांग कर रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारी मांग ये है कि इस पुलिया सड़क को दोबारा बनाया जाए। लगभग 2-2.5 महीने रह गए हैं चेयरमैनिक इलेक्शन के लिए, लेकिन आज की तारीख तक यहाँ पर तौफीक किसी चेयरमैन को ये नहीं हुई कि यहाँ आने के बाद में हमारी इस मोहल्ले की या इस मोहल्ले के आवाम की, लेडीज की खास तौर से परेशानियों को ध्यान दे कि उन्हें कैसे दूर किया जाएगा। ये पुलिया बन के हो गई ऐसा है कि जैसे कब्रिस्तान में कब्र दिखाई दे रही है। इस टाइप की पुलिया है, हर वक्त 24 घंटे यहाँ पे गाड़ी गिर रही है, कहीं लेडीज गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई पूछने वाला, कोई कहने वाला जो है कोई देखने वाला नहीं है। बराबर 2 कदम के फासले पर हमारे तहसील भी है यहाँ पर, यहाँ पे हर वक्त SDM साहब भी आते हैं और तमाम अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लिहाजा हमारी डिमांड प्रशासन से भी और खास तौर से नगर पालिका, अब 2 महीने रह गए, वो भी जो पुराने चेयरमैन साहब है वो क्या करा मांगे, क्योंकि उन्हें तो दोबारा नए इलेक्शन में आना है, तो अब देखो उनकी क्या पोजीशन होती क्या नहीं होती। लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि ये पुलिया या तो तोड़ी जाए, या ये जो रोड जो है यहाँ से वहां तक जो है इसके लेवल में किया जाए, ताकि हमारे हाथ पैर टूटने से बच सके। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता एडवोकेट है, इसी मोहल्ले का, इसी वार्ड का निवासी हूँ, इसी शहर का। आप जो ये सड़क टूटी हुई देख रहे हो, ये बिल्कुल मुख्य मार्ग है शहर का। इधर कांट से होकर तहसील से होते हुए साबला साहब और बालदेव को जाती है सड़क, ये पूरे थाने को जा रही है। महीनों से ये सड़क लौट टूटी पड़ी है, चेयरमैन साहब तो कहते कहते हार गए। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप इधर न्यूज में दिखा दे कम से कम, ये मुख्यमंत्री तक हमारी मांग पहुंचा दे कि इधर मुख्य सड़क को जो है बिल्कुल ठीक करा दे 25 जून से पहले। ये साहब भी नहीं सुन, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।